हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज खत्म होने के बाद ही 2021 के फरवरी महीने से इंडिया और इंग्लैंड का बीच में सीरीज शुरू होने वाला है और इस सीरीज में 4 टेस्ट मैच, 5 T20 मैचेस और 3 ODI मैचेस रखा गया है। लेकिन अगर आप लोगों को पूरा शेड्यूल देखना हो तो आप आई बटन पे प्रेस करके या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। क्योंकि मैं इससे पहले इसके बारे में पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताया हूँ कि कौन कौन सा डेट में, कौन कौन सा टाइम में और कौन कौन सा वेन्यू में ये मैचेस खेला जाने वाला है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद। तो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंग्लैंड का जो टेस्ट स्क्वाड है उसके बारे में, मतलब कौन कौन सा प्लेयर्स से स्क्वाड में आने वाला है इंडिया में और कौन कौन सा प्लेयर्स को खिलाया जाएगा फर्स्ट प्लेइंग 11 में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल भी होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा ही पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा और मेरा थोड़ा नहीं बहुत ही भला हो जाएगा और ऐसी न्यूज़ आप लोगों को मिलता रहेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड के बारे में बात करें, मतलब जो 16 जनों का स्क्वाड है उनमें कौन कौन सा खिलाड़ी रहने वाला है, तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले जो रूट, जो कि इस टीम का कैप्टन है, उसके साथ बेन स्टोक जो कि इस टीम का वाइस कैप्टन है, उसके बाद है जेम्स एंडरसन, जॉफ्रे आर्चर, डॉम बैट्स, स्टुअर्ट ब्रॉड, रॉनी बर्न्स, जॉस बटलर जो कि इस टीम का विकेट कीपर बैट्समैन है, उसके बाद जैक क्रूले, सैम कुरन, जो डैनली, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, डॉम सिबले, क्रिस ओक्स और लास्टली मार्क वुड। तो ये टोटल 16 जनों का स्क्वाड रहने वाला है इंग्लैंड के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन सा प्लेयर्स का एंट्री हो सकता है इस टीम में, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और फिर उसके बाद अगर हम बताएं कि इस स्क्वाड में से कौन सा प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 सबसे पहले मैच के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, तो मुझे तो लगता है जैसे कि आप देख ही सकते हैं सबसे पहले रॉनी बर्न्स को खिलाया जाएगा ओपन में और उसके साथ डॉम शिबले को, क्योंकि इन दोनों का परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ तीसरे नंबर पे मुझे तो लगता है जो रूट खेलने वाला है, क्योंकि 4 नंबर स्थान के लिए खेलने वाला है बेन स्टोक्स, क्योंकि बेन स्टोक्स बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है और ये फर्स्ट चॉइस है इस टीम में। उसके बाद 5 नंबर पर ओली पोप को खिलाया जाएगा, 6 नंबर पर जॉस बटलर जो कि विकेट कीपिंग बैट्समैन भी है और बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। उसके बाद आता है 7 नंबर पे खेलने वाला है क्रिस ओक्स, 8 नंबर पे डॉम बेस को खिलाया जा सकता है, उसके बाद 9 नंबर पे स्टुअर्ट ब्रॉड, 10 नंबर पे जॉफ्रे आर्चर और लास्टली 11 नंबर पे जेम्स एंडरसन। तो ये मोस्ट प्रोबेबली प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 हो सकता है इंग्लैंड टीम का। आप लोगों को क्या लगता है कौन सा प्लेयर्स को ऐड किया जा सकता है इस टीम में, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ऐसी वीडियो और भी डेली देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।